तुम सभी का स्वागत है गाइस एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। दरअसल गाइस यार मैं काम कर रहा हूँ एक रेस्टोरेंट के अंदर, उसी के छत के ऊपर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ यार। तुम लोग देखो गाइस, बिना कपड़ों के बिना पैंट के, बस एक छोटी सी चड्डी है मेरे पास और ना ही भाई बाल काटने के पैसे मेरे पास। इसलिए गाइस यार मुझे यार फिलहाल के लिए काम करना पड़ रहा है अपने एक दोस्त के रेस्टोरेंट के ऊपर। मतलब यार गाइस वो अपना कोई दोस्त नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही भाई सभी को बताते जाता हूँ कि भाई साहब मैं अपने दोस्त के रेस्टोरेंट के अंदर काम करता हूँ, नहीं तो भाई सभी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे यार कि भाई साहब मैं किसी के नीचे काम करता हूँ। दरअसल गाइस यार मुझे किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है, इसलिए गाइस यार ये सब बहाने तो मैं बनाते रहता हूँ। बट यार गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब मेरे ऊपर इतने ज्यादा बुरे दिन कब से आ गए कि भाई साहब मुझे किसी के नीचे काम करना पड़ रहा है। दरअसल गाइस यार तुम्हें पता ही होगा कि भाई साहब मैं आए दिन यार कोई ना कोई तो लोन निकालते रहता हूँ या फिर भाई किसी ना किसी को पैसे देते रहता हूँ। बट यार गाइस इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा एक पुराना दोस्त एलेक्स, वो एक दिन गाइस यार आपको पता मुझसे मिलने के लिए आया था लॉस सेंटोस के अंदर, और जैसे गाइस यार वो मेरे घर पे आया उसने कहा कि गाइस यार वो एक सोशल वर्क कर रहा है और यार उसके लिए यार उसको मेरे एक पेपर के ऊपर साइन चाहिए होगी। तो मैंने सोचा चलो भाई ये तो अपना दोस्त है और भाई क्या बढ़िया काम कर रहा है। मतलब यार उसने कहा था कि यार वो बहुत सारी गरीबों की मदद करना चाहता है, इसलिए यार वो घर घर जाकर लोगों से साइन लेता है और उसके बाद में वो सीधा लॉ सेंटर्स के प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उससे भाई बहुत सारे पैसे लेकर गरीबों के बीच में बांट देगा। बट यार गाइस तुम्हें पता उसने यार मेरे साथ कर दिया एकदम तगड़ा वाला स्कैम। हाँ भाई उसने स्कैम कर दिया यार मेरे साथ, उसने लिटरली मेरे घर को छीन लिया यार मुझसे। अब यार वो खुद आराम से मेरे घर के अंदर मौज काटता है और मैं यहाँ पर भाई दूसरे के रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। भाई गुस्सा तो बहुत आता है यार अपने दोस्तों के ऊपर। भाई मैं किसी के ऊपर भी भरोसा करके साइन वाइन कर देता हूँ पेपर के ऊपर। अब गाइस यार मुझे बाद में पता चला कि यार वो जो कागजात है वो तो यार मेरे घर के, इसलिए गाइस यार इसके आगे से यार मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करने वाला। और यार फिलहाल के लिए यार अपना ये जो रेस्टोरेंट है ये खोलने का टाइम हो चुका है। अभी जाकर फटाफट से देखता हूं हमारे पास कोई कस्टमर आया कि नहीं। एक सेकंड यार ये क्या भाई इतने सारे कस्टमर। अब यार भाई मैं ऊपर टाइम पास कर रहा हूँ और यार ये देखो गाइस यहाँ पर हमारे कस्टमर आकर बैठे हैं। अब यार चलो भाई पहले फटाफट से इनसे ऑर्डर ले जाऊ। हेलो सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपको क्या खाना, आप मुझे फटाफट से आपके ऑर्डर बताओ मैं आपका ऑर्डर लेकर आता हूँ। अरे हाँ हाँ यार जब से मैं इंतजार ही कर रहा हूँ ये रेस्टोरेंट कब खुलेगा। अरे हाँ सर अभी मैंने खोल दिया रेस्टोरेंट, आप बताओ यार आपको क्या चाहिए। एक काम करो फटाफट से मेरे लिए दो बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। अच्छा ठीक है सर अभी लेकर आता हूँ। और भाई यहाँ पर कौन कर रहा है, इनको कुछ चाहिए क्या। हेलो सर आपको कुछ चाहिए। अबे नहीं यार इसको तो कुछ भी नहीं चाहिए और यार ये तो पहले लेकर पी रहा है और आई थिंक इस बंदे को कुछ चाहिए होगा। हेलो सर आपको कुछ चाहिए यहाँ पे। अरे हाँ मेरा भी ऑर्डर है बस यार मुझे पार्सल चाहिए। हाँ सर बताओ आपको क्या चाहिए, अभी पार्सल करवा दूंगा। एक काम करो दो बर्गर और एक कॉफी लेकर आओ, वो भी पार्सल करके। अच्छा ठीक है सर अभी लेकर आता हूँ। चलो गाइस यार अपने पास सुबह सुबह दो ऑर्डर तो आ गए। अरे बाकी लोगों को पता नहीं यार चाहिए या फिर नहीं, बट यार वो सब छोड़ो गाइस एक काम करता फटाफट से जाकर लेकर आता हूँ। बट यार गाइस तुम्हें पता है हमारा जो शेफ है वो आता है दोपहर के 12 बजे और अभी टाइम देखो यार अभी तो बजे हुए 11:15। मतलब यार हमारे शेफ को आने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ऐसा लगता है भाई इनका जो दोनों का ऑर्डर है वो मुझे खुद को ही बनाना पड़ेगा। अबे चलो भाई बना देते हैं, वैसे यार उनको क्या ही पता चलेगा कि शेफ ने बनाया या फिर मैंने। बट यार ये भी चेक करो गाइस मेरी कार यहाँ पर पार्क करी हुई है, बस ये एक ही कार है गाइस जो मेरा सहारा बनती है रात के समय। मतलब यार गाइस तुम्हें पता है रात के समय यार लॉस एंजेलिस के अंदर कभी कभी बारिश गिरती है कभी कभी गर्मी पड़ती है। बट यार ये गाड़ी यार जो है ना गाइस मेरे पीछे खड़ी ये मेरा सहारा बनती है, मेरा सिंचन और चौप का। हम तीनों मिलकर गाइस इसी कार के अंदर सोते हैं। और गाइस साथ ही साथ अभी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई सब आखिरकार सिंचन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल गाइस यार सिंचन एक फ्रूट शॉप के ऊपर काम करता है, वहां पर गाइस यार वो एक छोटू का काम करता है। मतलब यार वहां पर उस फ्रूट वाले के सारे फ्रूट्स डिलीवर करता है अपना सिंचन, वो भी एक मस्त वाली साइकिल के ऊपर। बट यार फिलहाल के लिए गाइस यार इन दोनों के ऑर्डर लेकर आने पड़ेंगे मुझे, मैं यहाँ पर भाई ज्यादा टाइम पास किए जा रहा हूँ। आओ गाइस मिलता पड़ा इनके ऑर्डर लेकर। ये लीजिए सर आपका बर्गर और कोल्ड ड्रिंक। अरे हाँ हाँ तुम लेकर तो आ गए, बट यार ये मुझे गंदे क्यों लग रहा है। क्या कहा गंदे। अरे बिल्कुल यार मुझे ऐसा लगता है तुमने अपने हाथों से तो नहीं बनाया इनको। हाँ हाँ सर मैंने अपने हाथों से बनाया, बट यार इसमें क्या दिक्कत है आपको। अरे यार छी छी इतने गंदे बर्गर, तुम्हारे हाथ देखे तुम्हारी शक्ल देखी और तुम्हारी शरीर देखा है भाई साहब कितनी ज्यादा मिट्टी लगी हुई है तुम्हारे ऊपर और तुम अपने गंदे हाथों से बनाकर लेकर आ गए हो। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, मैंने अपने हाथ धोए उसके बाद में बनाकर लेकर आया आपके बर्गर को। वैसे भी यार सर आप फिक्र मत करो, थोड़ी देर बाद हमारा शेफ आ जाएगा वो वापस से बना देगा आपके लिए। अरे नहीं यार छी इतने गंदे बर्गर मुझे खाने नहीं है, पता नहीं यार सुबह सुबह मैं कौन से रेस्टोरेंट के अंदर आ गया, दिमाग खराब कर देते यार ये लोग तो। चलो यार मैं काम करता हूँ यहाँ से निकल ही चलता हूँ। अरे सर मेरी बात तो सुनो। अरे नहीं नहीं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम्हें काम करो फटाफट से अपने शेफ को बुलाओ और उसे बर्गर बनाकर लेकर आओ। और यार ये जो मेरे सामने रखा है ना गंदी चीज इसको उठाकर लेकर जा अंदर, नहीं तो मेरा दिमाग सटक गया ना तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगा मैं। अबे मेरी बात तो सुनो सर। अरे नहीं सुनने मुझे तुम्हारी बात, चलो निकलो लेकर जाओ नहीं तो तुम्हारा मालिक कहां पर उसको अभी कंप्लेंट करता हूं। अरे मेरे मालिक को कंप्लेंट मत करो भाई, वो मेरे पैसे काट लेगा। अरे नहीं नहीं मुझे पता है तुम यहां पर टेबल साफ करने का काम करते हो और तुम्हें जो काम बताया गया वही काम क्या करो, तुम्हें बस मैंने कहा था कि लेकर आओ ना कि बनाकर लेकर आओ। अरे सर मैंने कहा ना हमारा शेफ अभी तक आया नहीं है। और एक सेकंड यार ये
कौन सी बैठने की तमीज है। अरे मेरी मर्जी, मैं कैसे भी बैठूंगा, मैं पूरे 10 सालों से इस रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा हूँ और तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले। अरे वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था यार। तुम रुको यार, दिमाग मत खराब करो, यहाँ पर ये बंदा है भाई, इससे पैसे लेने बचे हुए। अरे सर ये देखो, मैं आपका ऑर्डर लेकर आ गया। अरे हाँ हाँ रुको, अभी मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। अरे हाँ सर जल्दी कर देना। आओ गाइस यार, ये तो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। और मैं अभी आपका बताओ यार, आपका क्या करना पड़ेगा मुझे। अरे नहीं नहीं अभी तुम एक काम करो, फटाफट से बर्गर और कोल्ड ड्रिंक अंदर लेके जाओ और नई वाली लेकर आओ जो तुम्हारे हाथों से ना बनी हो। मुझे तुम्हारे गंदे हाथों से कोई भी चीज नहीं खानी। अब यार ये तो बदतमीजी कर रहा है यार, दिमाग खराब किया जा रहा है। बस दिमाग खराब हुआ यार। गाइस यार अभी आप ही लोग मुझे बताओ यार, अभी तक हमारा शेफ भी नहीं आया, अब इसको मैं कहां से लाकर दूंगा भाई। यार वैसे भी यार रेस्टोरेंट के अंदर बस अब मैं अकेला हूं और चॉप का बच्चा साथ में। अब भाई कल एक काम करियो, ये बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मुझे दे दियो और बाद में जब हमारा शेफ आ जाएगा तब यार उसको नया बनाकर लाकर दियो। अरे मेरे पास फिर कोई काम नहीं है क्या, मैं क्या यहीं पर इंतजार करूं तुम्हारा। अबे यार ये दोनों तो भाई दिमाग खराब किए जा रहे हैं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा यार। अबे दिमाग खराब हो जा रहा है। रुको भाई काम करता हूं, अपने शेफ को कॉल करके देखता हूं वापस से। वाह यार क्या ब्यूटीफुल सा दिन निकला हुआ आज तो। आज एक काम करता हूं, सबसे पहले तो अपने रेस्टोरेंट के ऊपर चलूंगा, उसके बाद में चलूंगा अपने बिजनेस साइड के ऊपर। वैसे भी यार कितना टाइम हो गया मैं अपने रेस्टोरेंट के ऊपर गया नहीं था। और यार वो फ्रैंकलिन का बच्चा वहां पर अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। अरे मैंने तो मुझसे सैलरी लेते रहता है, बट यार इस बार सीधा जाकर देखूंगा कि यार मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर वो काम कैसे करता है। आओ चलता हूँ, लेट्स गो। ये देखो ये रहा मेरा रेस्टोरेंट, आओ लेट्स गो चलता हूँ। एक सेकंड यार, यहाँ पर तो आजकल बहुत ज्यादा भीड़ आने लग गई। वाह यार ऐसा लगता है मेरा शेफ और ये फ्रैंकलिन बढ़िया काम कर रहा है मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर। आओ चलता हूँ लेट्स गो। हेलो फ्रैंकलिन कैसे हो तुम? अरे एक सेकंड यार, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप तो बड़े दिनों बाद आए रेस्टोरेंट के ऊपर। अरे हाँ फ्रैंकलिन बड़े दिनों बाद आया, मुझे एक बात बताओ आजकल हमारा रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है? सर रेस्टोरेंट तो एकदम बढ़िया चल रहा है, बट यार पीछे आप वो इंसान देख रहे हो वो बड़ा बदतमीजी है यार। क्यों यार फ्रैंकलिन क्या हो गया? सर यार आप ही जाकर पूछ लो उससे। अच्छा ठीक है अभी पूछता हूँ। अरे भाई साहब बताओ क्या हो गया, क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे सर मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा नौकर है, ये जो टेबल साफ करता है फ्रैंकलिन, ये इसको तमीज नहीं है क्या? अरे क्या किया उसने जरा बताओगे मुझे? अरे कुछ नहीं सर, मैंने उसको सुबह कहा था कि जाकर मेरे लिए एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, तुम्हें पता उसने क्या किया? अरे हाँ बताओ क्या किया उसने? अरे तुम्हें पता उसने यार मुझे अपने गंदे हाथों से कोल्ड ड्रिंक और बर्गर सर्व किया, और तुम्हें पता साथ ही साथ उसने अपने हाथों से बनाई है। क्या फ्रैंकलिन ने अपने हाथों से बनाया? अरे हाँ वही तो बोल रहा सर, उसने अपने हाथों से बनाया। रुको यार अभी जाकर उससे पूछता हूँ। अरे फ्रैंकलिन मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने हाथों से बनाया ये सब कुछ? अरे हाँ सर मैंने अपने हाथों से बनाया। पर क्यों? क्योंकि सर वो हमारा जो शेफ है वो अभी तक आया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो यार अपना जो कस्टमर है इसको खाली हाथ भेजने से अच्छा है कि इसको मैं अपने हाथों से बना देता हूँ। अरे छी छी फ्रैंकलिन अपने गंदे हाथों से क्यों बना दिया? और यार मुझे एक बात बताओ, तुमने इस बंदे को फिर रिप्लेस करके नहीं दिया? अरे हाँ वो बोल तो रहा था, बट यार अभी तक शेफ आया नहीं, तो यार इसको रिप्लेस करके कहाँ से दूंगा मैं? अरे फ्रैंकलिन तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है, किसी और को बोल देते और या फिर शेफ को कॉल कर देते। अरे हाँ सर मैंने उसको कॉल किया था, बट यार उसने कहा कि यार वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। और भाई मेरे हाथों में कहाँ गंदगी लगी हुई है भाई, खा लेना यार, क्यों दिमाग खराब किया जा रहा है? अरे जाओ मैं नहीं खाऊंगा, या फिर अब तो मैं सोच रहा हूँ अगली बार से मैं आऊंगा ही नहीं। और यार मुझे एक बात बताओ, मुझसे पहले तुमने किसी एक बंदे को पार्सल दिया था, उस बंदे से पैसे लिए? एक सेकंड, वो बंदा कहाँ पर चला गया? गाइस तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर अभी एक बंदा था, उसको मैंने दो दो पैकेट पार्सल दिए थे, मतलब यार दो बर्गर दो कोल्ड ड्रिंक और यार एक कॉफी दी। भाई साहब उसने वो कहा था कि यार वो पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगा, पैसे तो अभी तक आया नहीं। अबे भाई लगता है वो ऐसे भाग गया क्या? अबे हाँ भाई कल मैंने तो देख लिया वो बंदा ऐसे भाग गया। अबे तो भाई तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अबे मुझे लगा उसने कर दिए होंगे ट्रांसफर। अबे यार ये चौप भी ना। अरे सर वो मुझसे गलती हो गई है। अरे कौन सी गलती कर दी अब तुमने? अरे वो तो सर यार इससे पहले मैंने एक बंदे को दो चीजें पार्सल दी थी, उस बंदे ने कहा कि यार वो पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगा, बट यार वो तो भाग गया। अरे फ्रैंकलिन तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है, तुमने यार आज सुबह सुबह मेरा 2 बार घाटा कर दिया, अब तो मैं काम करूंगा तुम्हारे एक सैलरी में से काटूंगा। अरे पर क्यों, मेरी क्या गलती इसमें? नहीं नहीं फ्रैंकलिन वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हारी गलती है मतलब है, अब तुम्हारे पैसे मैं जरूर से काट करूंगा, तुम ठीक हो मैं क्या करता हूँ? अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं फ्रैंकलिन साले तुम हो गरीब, तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें मैंने अपने रेस्टोरेंट के अंदर टेबल साफ करने के लिए रखा था, बट यार तुम्हारे वजह से यार आज सुबह सुबह 1000 रुपए का घाटा हुआ मुझे, तुम्हारे पैसे तो अब मैं काटूंगा ही काटूंगा। अरे यार ये तो दिमाग खराब किया जा रहा है भाई, ये कैसे कैसे पैसे काटेगा भाई मेरे? मेरी थोड़ी ना गलती है यार, उस बंदे ने तो कहा था यार वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देगा, और लिटरली गाइस तुम्हें पता है मेरी जो सैलरी है इस रेस्टोरेंट के अंदर भाई 5000 रुपए बस, उनमें से भी यार 1000 रुपए काट देगा तो यार मेरे हाथ में बस 4000 रुपए आएंगे। और गाइस आपको पता है फिर यार मुझे उस 4000 रुपए से पूरे एक महीने तक गुजारा करना पड़ेगा, और ये बोल रहा है मेरे 1000 रुपए काटेगा, साले निकल यहां से, तू ऐसे कैसे मेरे पैसे काटेगा? फ्रैंकलिन तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? हाथ कैसे उठाया साले, हाथ में अब तो लात उठाऊंगा। आ रहा तुम तो बड़े बदतमीज हो,
अबे हाँ भाई बदतमीज हो। और भाई तू क्या बोल रहा था, मेरे गंदे हाथ सारे तू भी निकल, तेरा भी मुंह फोड़ दूंगा मैं। आ रहा है प्लीज मत मारो मुझे, क्यों ना मारो भाई, तेरी तो शक्ल ही तोड़ने का मन कर रहा है मेरी। और भाई वो भी करके रहूंगा। अबे छोड़ भाई, कल क्यों मार रहा है उसको, क्यों मार रहा भाई इसका, तो अभी मैं मुंह फोड़ने वाला हूँ। साला निकल यहाँ से, दिमाग खराब कर देता है। आईंदा से भाई तू किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाने से पहले 10 बार सोचेगा कि भाई साहब उसके नौकर से कैसे बात करनी चाहिए। आ रहा है यार, तुमने तो मार दिया मुझे, साले मारूंगा नहीं तो क्या करूंगा, दिमाग खराब कर देते यार। जाओ यार, मुझे नहीं करना किसी के नीचे काम यार। गाइस तुम लोग देख रहे हो, पहले तो इनका काम करो और भाई ऊपर से इनकी बातें भी सुन के ले लो। जाओ भाई मैं तो नहीं कर रहा। और यार अब तो मैं तो जा रहा हूँ इस रेस्टोरेंट को छोड़कर। आ जाओ भाई, चलो बैठ जा पड़ा। अच्छा है, अच्छा रुक जा भाई, कल अभी आता हूँ। चल भाई कल बैठ गया मैं। अच्छा ठीक है भाई। अब यार गाइस मैं तो सोच रहा हूँ कहीं और जाकर काम ढूंढ लूँ, बट यार ऐसा काम करना गाइस जिसमें यार मेरा खुद का प्रॉफिट हो, ना कि भाई साहब किसी के नीचे काम करना है, नहीं तो भाई ऐसी हालत हो जाए। अब तो भाई कल ऐसा कौन सा काम करेगा अब तू। अरे वो तो मैं सोच ही रहा हूँ यार। बट यार गाइस आपको क्या लगता है यार, मैंने यार आज जो आज किया ये सब कुछ गलत किया या फिर अच्छा किया? आप यार मुझे पता चल कमेंट के अंदर यस या फिर नो के इसमें रिप्लाई दे दो। बट यार गाइस आपको पता होगा यार, मैं डेली अपने वीडियोस के अंदर आप सभी को शाउट आउट देते रहता हूँ। तो आज फिर गाइस यार मैं आप सभी को एकदम बड़ी वाला शाउट आउट देना चाहता हूँ अपने वीडियोस के अंदर। तो गाइस यार आज का अपना पहला शाउट आउट जाता है अपने आकाश भाई को, इनका बर्थडे आता है 9 मई को। आकाश भाई आपका बर्थडे यार कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो आकाश भाई आपको यार मेरी तरफ से एकदम बड़ी वाला शाउट आउट और भाई एकदम बड़ी वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस आपके बर्थडे के लिए। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है अपने सुमित भाई को, इनका बर्थडे आता है 21 अक्टूबर को। तो सुमित भाई आपका बर्थडे यार बड़ा लेट आने वाला है, फिर यार सुमित भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको यार मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और यार एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस आपके बर्थडे के लिए। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है अपने साहिल भाई को, इनका बर्थडे आता है 3 मई को। तो साहिल भाई आपका बर्थडे यार कुछ ही दिनों पहले हो गया, फिर यार साहिल भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको यार मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस आपके अगले साल के बर्थडे के लिए। और अगर भाई तुम्हें भी मेरे वीडियोस के अंदर ऐसा शाउट आउट चाहिए तो एक काम कर दो भाई, फटाफट इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और यार कमेंट के अंदर अपना नाम और अपनी बर्थडे जरूर लिखना, ताकि यार मैं तुम सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट दे सकूं अपने वीडियोस के अंदर। और अभी तो गाइस यार यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते भाई फटाफट से सिंचैन के पास और जाकर भाई सिंचैन से कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ कर देखते हैं। वैसे भाई चौक तुझे क्या लगता है, मैं अगर सिंचैन के उस फ्रूट वाले शॉप के ऊपर काम करूं तो भाई बढ़िया काम रहेगा ना? अबे हां भाई वो तो हो जाएगा, बट यार तुझे पता है ना भाई वहां पर ज्यादा सैलरी नहीं मिलती। हां यार वो भी बात है, चल ना भाई वहां पर जाकर ही देख लेंगे। अच्छा ठीक है भाई, कल जैसी तेरी मर्जी, चल भाई चलते फटाफट से। हां भाई वहीं पर जाकर देखेंगे। बट यार गाइस सिंचैन को मैं कैसे बताऊंगा कि भाई साहब मेरा जो मालिक है उसकी पिटाई करके आया मैं? अबे यार गुस्सा आने के बाद यार पता नहीं गाइस क्या हो जाता है, मैंने तो सीधा यार उसका मुंह ही फोड़ दिया यार, और यार साथ ही साथ उसके कस्टमर की भी पिटाई कर दी। बट यार ऐसे यार कोई भी आकर कुछ भी बोलकर जाएगा, ये तो गलत बात है यार। उन लोगों ने भी यार कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि भाई साहब हम लोग सामने वाले को क्या बात कर रहे हैं, और ना यार मुझे ज्यादा सैलरी देते ये लोग कि यार मैं इनकी बातें भी सुन लूं। बट छोड़ो यार इसमें क्या ही करना, अब मुझे तो यार अभी जाना है बस सिंचैन के पास और जाकर वहीं से यार कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना होगा। और यार ये कैसे चला रहा हूं मैं अपनी कार, भाई मेरे पास फिलहाल के लिए एक ही कार है, उसकी भी हालत खराब करते जा रहा हूं मैं। छोड़ो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा यार चलते सिंचैन के पास और जाकर गाइस वहीं पर कोई ना कोई तो रास्ता निकालते हैं। चलो गाइस मिलते सीधा सिंचैन के उस शॉप के पास जाकर, लेट्स गो। अब वैसे भाई कल तू मुझे वहां पर वो बर्गर खाने देता तो भाई सब मजा आ जाता। सुबह से भाई मैंने अभी तो कुछ खाया नहीं है। अरे मैंने भी कहां पर खाया है भाई, तेरे सामने तो मैंने रेस्टोरेंट खोला और भाई साहब सीधा वो कस्टमर आए थे भाई, बदतमीज साले। अच्छा ठीक है भाई, कल एक काम करेंगे सिंचैन के फ्रूट स्टॉल के ऊपर वहां पर कुछ खा लेंगे। हाँ हाँ ठीक है भाई वहां पर ही खा लेंगे, वैसे भी यार यार सुबह से बड़े जोरों से भूख लगी हुई है। और गाइस एक सेकंड यार, तुम लोग ये मेंशन देखो भाई, तुम्हें पता ये जो मेंशन है ना गाइस, इस मेंशन के अंदर पता नहीं कोई बड़ा सा बिलियनर रहता है, पता नहीं भाई ऐसा क्या काम करता होगा। आई होप कि गाइस यार मैं भी एक दिन इतने सारे पैसे कमाऊं कि भाई साहब मेरे पास भी यार एक बड़ा सा मेंशन हो, बहुत सारे पैसे हो और भाई महंगी महंगी गाड़ियां हो और यार भाई साथ साथ एकदम बढ़िया वाली रिच लाइफ जियूं। बट यार ये दिन कब आएगा वो तो मुझे भी नहीं पता। चल भाई यार सपने देखने से बढ़िया है कि मेहनत की जाए और भाई साहब अपने सारे सारे सपने पूरे की जाए, भाई वो तो हम लोग करेंगे। और यार साथ ही साथ गाइस यार ये देखो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सिंचैन के स्टॉल के ऊपर। ये देखो भाई ये रहा सिंचैन, पता नहीं भाई क्या कर रहा है, आओ जाकर सीधा बात ही कर लेते हैं। हेलो मेरे भाई सिंचैन कैसा है तू? अरे एक सेकंड फैंकी भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपका रेस्टोरेंट आपने आज खोला नहीं क्या? अरे मेरा थोड़ी ना है, वो मेरे मालिक का है। हाँ यार उसी की बात कर रहा हूँ, आप यार आज वहाँ पर गए नहीं? हाँ भाई गया था मैं वहाँ पर, और भाई जाकर मैंने अपना रेस्टोरेंट भी खोला था और साथ ही साथ मैंने दो दो ऑर्डर भी बनाए थे। तो यार इसमें क्या हो गया? अरे हुआ क्या तुझे पता है भाई, वहाँ पर जैसे भाई मैंने अपने जो ऑर्डर्स थे, एक इंसान को पार्सल चाहिए था, एक इंसान को भाई खाने के लिए चाहिए था, पार्सल तो मैंने दे दिया और भाई तुझे पता लिटरल यार वो बंदा मेरा जब ध्यान नहीं था वहां से भाग गया बिना पैसे दिए। तो यार तुम्हारे मालिक ने तुम्हें डांटा होगा? हाँ भाई उसने डांटा तो सही। और भाई जो दूसरा कस्टमर था तुझे पता उसने क्या कहा? हाँ बता बता उसने क्या कहा? उसने कहा कि भाई साहब लिटरल यार मेरे हाथ गंदे हैं और मैंने अपने हाथों से वो ऑर्डर बना कर लाया, और यार उस
बर्गर के अंदर से गंदी बदबू आ रही है, इसलिए उसने कहा कि यार वो उस बर्गर को नहीं खाना चाहता। अरे यार ऐसे कैसे लोग होते हैं यार। फैंकी भाई आपको पता है हमारे पास भी कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं, वो लोग बोलते हैं यार तुम्हारे गंदे हाथों से मत दो, हम ही हमारे हाथों से ले लेंगे। अरे हाँ यार ये लोग होते ही ऐसे है। तो यार अभी क्या हुआ, यहाँ पर क्यों आया वो तो बताओ। वो तो यार तुझे पता है मेरा जो मालिक था वो यार मुझे गरीब गरीब भूल रहा था, और वो जो कस्टमर था वो भी यार बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। तो भाई मुझे आ गया गुस्सा और भाई मैंने दोनों को लिटा दिया वहां पर मार मार के। क्या यार फैंकी भाई कैसी बातें कर रहे हो अब यार, आपके पास तो कोई काम ही नहीं बचा होगा। बिल्कुल भाई तूने सही कहा, मैंने छोड़ दिया उस रेस्टोरेंट के काम को। अब यार मैं तो सोच रहा हूँ तेरी इसी फ्रूट स्टॉल के ऊपर काम करूँ। नहीं नहीं फैंकी भाई मेरे मालिक आपको यहाँ से भगा देंगे। पर क्यों, क्योंकि यार आपको पता हमारा यार ये जो फ्रूट स्टॉल है ये यार पहले काम नहीं कर रहा, और ना ही आजकल हमारे फ्रूट्स बिक रहे, इसलिए यार अभी हम लोग सोच रहे कहीं और डालेंगे इस फ्रूट स्टॉल को। अबे यार ये क्या हो रहा है गाइस, तुम लोग देख रहे हो मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर काम पे लग जाऊंगा, बट यार इसका खुद का फ्रूट स्टॉल नहीं चल रहा यार। अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसा लगता है गाइस यार मुझे कहीं ना कहीं जाकर थोड़ी बहुत चोरी करके पैसे जमा करने पड़ेंगे, और यार उन्हीं पैसों से कोई ना कोई तो बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। बट यार चोरी कहाँ पर करूंगा मैं, समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ। अरे भैया खाने के लिए दे दो भैया कोई तो, इस बुढ़े इंसान की मदद कर दो भैया कोई तो खाने के लिए दे दो। एक सेकेंड यार यहाँ पर कोई तो इंसान है, जाकर इससे मदद मांग लू। अरे यार ये तो खुद ही गरीब लग रहा है मुझे, नहीं यार इससे कहाँ पर मदद मांगूंगा। और यार एक सेकेंड यहाँ पर रोज एक बर्गर वाला आता है, वो यार डेली मुझे मुफ्त में बर्गर खिलाता है, बट यार आज वो आया नहीं। ये कैसे लोग है यार, यार क्या करूँ अब मैं, आज यार मेरा खाने का कैसा होगा। आज अगर मैंने खाना नहीं खाया तो यार मेरी सीधा जान चली जाएगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। एक सेकेंड यहाँ पर सामने एक फ्रूट स्टॉल है ना, बट यार इससे पहले यार इसने मुझे कभी अपने फ्रूट्स खिलाया नहीं है, क्या बोलते हो जाकर इससे मदद मांग लूं। हाँ यार चलो जाकर मदद मांग ही लेता हूँ, वैसे भी यार मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। आओ चलता हूँ लेट्स गो उस तरफ और जाकर यार उनसे मदद मांग के देखता हूँ। एक सेकंड इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, अरे चलो चलो लग गई यार। अबे क्या करूँ, एक सेकंड वो क्या है भाई रास्ते के ऊपर, गाइस तुम लोग वो देख रहे हो, लगता है भाई यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। अबे यार ये लॉस सेंटोस का जो हाईवे है भाई इसके ऊपर एकदम भयंकर वाले एक्सीडेंट होते रहते। एक सेकंड भाई अभी ये गाड़ी वाला मुझे उड़ा देता। ये देखो गाइस लिटरली यार यहाँ पर कितना सारा खून पड़ा हुआ है, और ये है कौन। अबे यार ऐसा लगता है ये कोई बुड्ढा इंसान है। हेलो सर आप ठीक हो, ऐसा लगता है गाइस यार इसकी हालत भी यार हमारी तरह खराब हो गई है। अबे यार अब इसको कैसे उठाऊंगा मैं, हेलो सर उठ जाओ यार। अबे यार ऐसा लगता है भाई इसको बहुत जोर से उड़ाकर चला गया। अब यार मैं क्या करूं भाई, हमारे पास तो पैसे भी नहीं इसको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। एक काम करता भाई एम्बुलेंस को कॉल करके बता देता, वो लोग भाई कुछ से इसको उठाकर लेकर जाएंगे। हाँ रुको मैं अभी कॉल लगाता हूँ। अरे वो क्या नंबर था एम्बुलेंस का भाई समझ नहीं आ रहा, 111। अरे रुको रुको बच्चे किसी को कॉल मत करो। क्या कॉल ना करूं, जरा बता अंकल आप ठीक तो हो। अरे हाँ बच्चे मैं ठीक हूँ, बट यार मुझे एक बात बताओ तुम हो कौन, और यार मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। अरे वो तो अंकल मुझे ऐसा लगा कि यार आपकी हालत भी मेरी तरह खराब है, तो यार मैंने सोचा कि चलो भाई काम करता है एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ से भाग जाऊंगा, वो आपको उठाकर ले जाएंगे और आपका इलाज कर देंगे। अरे हाँ बच्चे तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो यार, तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान लॉस एंडस के अंदर मिलते ही कहाँ है। अरे हाँ अंकल चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट यार बच्चे मुझे एक बात बताओ तुम्हारे पास कुछ पैसे है। क्यों अंकल क्या हो गया, क्योंकि यार बच्चे यार मुझे बड़े जोरों से भूख लग रही है, और यार ना ही मेरे पास खाना खाने के पैसे है, अगर तुम मुझे कुछ खाना खिला देते तो यार मजा ही आ जाता। अरे यार आपको भूख लगी है, रुक यार यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर एक कॉफी शॉप है, आपको कुछ कॉफी पिला देता हूँ। अरे हाँ बच्चे प्लीज पिला दो यार, बड़े जोरों से भूख लग रही है। अच्छा ठीक है अंकल अभी पिलाता हूँ। चलो गाइस यार गरीबों की मदद करना अच्छी बात है, अब यार इस वाले शॉप में चलता और इनको कॉफी पिलाता हूँ पड़ा लेट्स को। तो बताओ अंकल आपको कैसे लगी कॉफी। बच्चे कॉफी तो एकदम बढ़िया है, बट यार अगर तुम साथ ही साथ कुछ खिला देते तो यार मजा आ जाता। अरे यार अंकल मेरे पास आप खुद को खाने के पैसे नहीं है, मैंने तो जो पैसे थे आपको उसको कॉफी पिला दी। अच्छा ठीक है बच्चे कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे तुम करते क्या हो। अरे वो तो अंकल मेरी हालत तो फिलहाल के लिए टाइट है, आप यार आप बताओ आप क्या करते हो। कुछ नहीं बच्चे मैं तो ऐसे ही भीख मांगकर खाना खाता हूँ। अरे यार छोड़ अंकल कोई बात नहीं, चलो मैं तो जा रहा हूँ अंकल काम ढूंढने के लिए, फिलहाल के लिए यार मेरे पास भी कोई काम नहीं है ना कोई घर है। क्या कहा बच्चे तुम्हारे पास घर नहीं है। बिल्कुल अंकल घर नहीं है यार। क्यों अंकल क्या हो गया आपके पास कोई घर है रहने के लिए। अरे नहीं नहीं बच्चे मेरे पास घर तो नहीं है, बट यार घर लाने का एक रास्ता तो है। क्या कहा रास्ता है, जरा बताओ अंकल कौन सा रास्ता है। रुको अभी बताता हूँ, ये
पकड़ो ये ग्लव्स। कौन से ग्लव्स अंकल? अरे पकड़ो तो सही। अच्छा दो कौन से ग्लव्स दिखाओ। ये देखो बच्चे, ये ग्लव्स का इस्तेमाल करके तुम किसी भी चीज को छू लो, उसके बाद में तुम्हारा नसीब बदल जाएगा। क्या कहा, नसीब बदल जाएगा? अरे अंकल आप पागल तो नहीं हो गए? अरे नहीं बच्चे, मैं क्यों पागल हूँ। तुम एक काम करो, वहाँ पर जाओ फ्रूट स्टॉल के पास, और वहाँ पर अगर कोई कार हुई तो उसको टच करके देखो, उसके बाद में तुम्हें खुद में कुछ सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, रुको मैं अभी जाकर देखता हूँ। अंकल आपने अगर मुझे पागल बनाया आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे हाँ बच्चे जाओ तो सही। अच्छा ठीक है अभी जाता हूँ। आओ गाइस चलते पड़ा उस तरफ और अपनी कार को टच करके देखते हैं, और देखते हैं अपने कार का क्या होने वाला है। पता नहीं भाई, ऐसा लगता है ये कोई कूड़ा उठाने वाले ग्लव्स है। छोड़ो भाई मुझे क्या करना है, मैं तो टच करता अपनी इस कार को। ये किया टच, और यार एक सेकंड ये क्या हो गया भाई मेरे सामने? मेरी कार तो अभी ग्रीन कलर की थी ना। अब हाँ भाई, कल अपनी कार ग्रीन कलर की थी, बट यार हमारी कार का कलर कैसे चेंज हो गया? अबे वो तो मुझे भी नहीं पता। एक सेकंड, अबे ये कोई गोल्ड कलर है क्या? अबे हाँ ये तो प्योर गोल्ड है भाई कलवे। अबे जा भाई पागल मत बना। अबे मैं क्यों पागल बनाऊंगा भाई कलवे, तो एक बार चार्ट कर देख लियो। अच्छा रुक जाओ अभी देखता हूँ। आओ गाइस चार्ट कर देखता हूँ। एक सेकंड, अबे ये क्या, ये तो सच में गोल्ड है। अबे ये कैसे पॉसिबल है भाई? अबे लगता है भाई कल भाई ये कार अपनी गोल्ड के अंदर चेंज हो गई, पर ये हुई कैसे समझ नहीं आ रहा। अबे वो तो यार ऐसा लगता है गाइस, यार उन अंकल ने मुझे ग्लव्स दिए थे ना, इनका इस्तेमाल करके यार मैं किसी भी चीज को टच करके गोल्ड में चेंज कर सकता हूँ। अबे ये कैसे पॉसिबल है भाई, समझ तो नहीं आ रहा यार। बट छोड़ो यार, एक काम करता हूं, इस कार को लेता हूं और साइमन के पास जाकर देखता हूं। साइमन अगर इस कार को खरीद लेगा तो गाइस यार मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अरे आओ भैया फ्रूट्स ले लो हमारे पास से। आ रहे फ्रूट्स वाले भैया आ जाओ फटाफट कार के अंदर बैठ जाओ। क्या कहा फ्रूट्स वाले भैया? एक सेकंड थैंक यू भाई, ये तो अपना। बिल्कुल भाई मैं यू तो फटाफट से बैठ जाओ अपने कार के अंदर। अरे पर यार मुझे एक बात बताओ, हमारी कार का कलर कैसे चेंज हो गया? अरे कलर नहीं चेंज हुआ भाई, हमारी कार है भाई ये गोल्ड की बन गई है, ये कैसे पॉसिबल है? वो तो यार इन ग्लव्स का इस्तेमाल करके मैंने किया है। अब तो देख भाई सिंचैन, अगर भाई साइमन इस कार को खरीद लेता है तो भाई हम लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। क्या कहा पैसे कमा सकते हैं? बिल्कुल भाई बहुत सारे पैसे कमा सकता है। तो देख भाई अब क्या करता हूँ मैं अभी। तो चलो गाइस चलते फटाफट से साइमन शोरूम के ऊपर, और वहां पर जाकर देखते हैं गाइस साइमन हमें इस कार के कितने पैसे देता है। तब तक गाइस आपने अभी तक इस वीडियो का लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे भाई, कर दो यार फटाफट से इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब। और अभी तक चलो गाइस चलते फटाफट से साइमन के शोरूम के ऊपर, लेट्स गो। अभी तो बस गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं साइमन के शोरूम के ऊपर। यहां से बस भाई आगे से राइट मार रहे हैं और भाई चलेंगे साइमन के पास। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं इस गोल्ड के कार को साइमन को दिखाने के लिए। अगर गाइस इसने हमें करोड़ों रुपए दे दिए तो भाई मजा ही आ जाएगा। और ये देखो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर। और ये देखो भाई ये रहा साइमन। हेलो मेरे भाई साइमन, कैसा है तू? एक सेकंड फ्रैंकली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना था तुम बड़े गरीब हो गए हो। हाँ हाँ भाई गरीब तो हो गया था, बट यार ऐसा लगता है अब मैं बहुत ज्यादा अमीर होने वाला हूँ। ऐसे कैसे? बहुत यार भाई तू ही मुझे पैसे देने वाला है। अरे जाओ यार मैं तुम्हें कोई मदद नहीं करने वाला। अरे मदद मैं ऐसे मुफ्त में नहीं मांग रहा हूँ, मैं यार तुझे कोई चीज बेचने के लिए आया हूँ। ऐसी कौन सी चीज बेचने के लिए आया हूँ जिससे मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा? अरे ये देख भाई साइमन, मैं तुझे दिखाने के लिए आया अपनी गोल्ड की कार। क्या कहा गोल्ड की कार? ये कहाँ से चुराई तुमने? चुराई वुराई नहीं भाई, मेरी खुद की कार है जो कि भाई मैंने अपने गोल्ड के अंदर बनाई है। अरे लाओ फ्रैंकलिन जरा दिखाओ कौन सी कार है। अरे हाँ भाई ये देख यार, ये रही मेरी गोल्ड की कार। अगर तू चाहे तो भाई सब मैं तेरी सारे की सारी गाड़ियों को ऐसी गोल्ड की बना सकता हूँ। अरे पर वो कैसे बनाओगे तुम? अरे वो सब कुछ तो मेरे ऊपर छोड़, बट यार मुझे एक बात बता, अगर मैं तेरी सारी गाड़ियों को गोल्ड का बनाता हूँ तो मुझे देगा क्या? मैं यार फ्रैंकलिन तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, करोड़पति। अच्छा ऐसी बात है, तो रुक जा मैं अभी करता हूँ। लेट्स गो गाइस, आओ टच करता हूँ सैमन की सारी की सारी गाड़ियों को। लेट्स गो, ये भी हो गई, ये भी हो गई, और भाई ये भी हो गई, ये ब्लू वाली भी हो गई, और भाई ये बुगाटी भी हो गई। अरे वाह भाई बुगाटी, ओहो भाई ये तो एकदम बढ़िया लग रही है। अरे यार एक सेकंड पैंकी भाई, ये देखो सारी की सारी गाड़ियां तो गोल्ड के अंदर चेंज हो गई। हाँ भाई वो तो मुझे पता ही था। ये देख भाई साइमन तेरी सारी गाड़ियां बन गई भाई गोल्ड की। अब मुझे एक बात बताओ भाई तू तो कितने पैसे देगा मुझे? बट यार ये कैसे किया फ्रैंकली तुमने? उससे तुझे क्या मतलब है भाई, तू फटाफट अभी पैसे निकाल। अच्छा बता तुम्हें कितने चाहिए? भाई तू अगर इन सारी की सारी गाड़ियों को बेचेगा, मतलब यार एक एक गाड़ी को तो भाई लिटरली 500-500 1,000 करोड़ में तो बेच ही देगा। हाँ वो तो मैं करूंगा, तो भाई चले काम करियो, पड़ा चाहे मुझे 1,000 करोड़ रुपए दे दे। क्या कहा 1,000 करोड़? फ्रैंकली ने ज्यादा नहीं हुए? हाँ तो भाई तू इन सारे की सारी गाड़ियों को भी यार बेचेगा एकदम महंगे दाम में ना। हाँ वो तो तुमने सही कहा। अच्छा चलो यार मैं दे देता हूँ, अगली बार मैं तुम्हें वापिस से कॉल करूंगा ये करने के लिए। बिल्कुल भाई जरूर करियो, तो फिलहाल के लिए मेरे पैसे निकाल। और यार चाहिए तो उन पैसे में से कुछ पैसे काट लियो उस बुगाटी के, क्योंकि भाई वो बुगाटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई है और इसको अब मैं लेकर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन,
एक काम करो, मैं तुम्हारे घर के ऊपर पैसे भेज देता हूँ, तुम बस मुझे अपना एड्रेस भेज दो। अच्छा ठीक है भाई, उससे पहले भाई चौप तो फटाफट से बैठ जा। अच्छा ठीक है भाई, कल अभी आता हूँ। कल भाई, कल बैठ गया। अच्छा ठीक है भाई, और भाई साइमन याद से पैसे भेज दियो। अरे हाँ फ्रैंकली भेज दूंगा। चलो गाइस, अभी मैं तो सोच रहा हूँ अपने पास कोई ढंग का घर नहीं है, तो एक काम करते सबसे पहले जाकर कोई घर ढूंढते हैं और साइमन को फोन करके बोल देता भाई वहाँ पर पैसे भिजवाने के लिए। अब भाई कल मैं तो बोलता सुबह जो हमने मेंशन देखा था ना वो खरीद लेता है। अबे तुझे लगता है भाई इतने पैसे में आ जाएगा? अब बिल्कुल भाई कल 1000 करोड़ की बात है भाई, इसमें तो ऐसे बहुत सारे मेंशन आ जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है तो चलो भाई उसी का जाकर खरीद लेते हैं। गाइस सब लोग देख रहे हो सुबह जो मेंशन हमें पसंद आया था वो मेंशन अभी हम लोग जा रहे खरीदने के लिए। अब यार फिलहाल के लिए ये नहीं पता कि यार उस मेंशन की कीमत कितनी है। चलो भाई वो तो वहीं पर जाकर पता चलेगी। हट यार गाइस, मजा आ गया यार, मैं तो कितना ज्यादा रिच बन गया। अब तुम लोग देखो यार मैं क्या क्या करता हूँ। बट यार उससे पहले चलो गाइस सीधा मिलते हैं उस मेंशन को खरीद के, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस यार हम लोगों ने खरीद लिया इस बड़े से मेंशन को। गाइस यार मुझे लगा था ये मेंशन होगा बड़ा महंगा यार, बट यार इसकी कीमत है 500 करोड़ रुपए यार। भाई 500 करोड़ के अंदर एक बड़ा सा मेंशन तो हमारा हो गया। और यार साथ ही साथ ये देखो भाई यहाँ पर जितने भी चीजें थे मैंने सारे की सारी चीजों को टच किया और भाई वो चीजें हो गई गोल्ड के अंदर चेंज। भाई कितना सारा गोल्ड है यार। और ये देखो भाई सामन ने भी अपने सारे के सारे पैसे भिजवा दिए, अभी ये बचे हुए 500 करोड़ रुपए। अब यार इन पैसों का मैं करूंगा क्या वो तो मुझे भी नहीं पता। गाइस यार तुम्हें मुझे बताओ यार इन पैसों का इस्तेमाल करके और यार कौन कौन सी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदूं और यार उनको गोल्ड के अंदर चेंज करूं, वो सब कुछ तो गाइस यार आप मुझे फटाफट से कमेंट के अंदर जरूर से बताना। और आपको अगर इस मेंशन का भी टूर चाहिए तो आपको वो देखने मिलेगा हमारे अगले वीडियो के अंदर। तो चलो गाइस यार आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो एक काम कर दे भाई फटाफट से इस वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस मैं और सिंचन मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।